हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपका आधार कार्ड नंबर गुम हो गया है तो उसको कैसे दोबारा से पा सकते हैं हम, क्योंकि आधार कार्ड हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। हर सरकारी और प्राइवेट संस्थान में हमारे को इसको जमा करवाना पड़ता है, जहाँ पर भी हमारे को कोई भी हमारा काम करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जैसे ही उसके अंदर आप जाओगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा एक लिंक। उस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने इसकी आधार कार्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों, ये हो जाएगी आपके सामने ओपन। तो आपको जाना है नीचे, क्लिक करना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा गेट आधार का। गेट आधार के ऊपर आपको कर लेना है क्लिक। हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर, बुक अपॉइंटमेंट, चेक स्टेटस, डाउनलोड आधार और रिट्राइव EID UID। आपको करना है इसके ऊपर क्लिक, रिट्राइव EID UID। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे दो। एक तो आएगा आधार नंबर का और एक आएगा एनरोलमेंट आईडी का। तो आपको इनमें से कौन से की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना। मेरे को चाहिए आधार नंबर, तो मैं कर लेता हूँ आधार नंबर के ऊपर क्लिक। उसके बाद में आपका नाम डालना है, जो भी आपका नाम आधार कार्ड में है आपको आपका यहाँ पर नाम डाल लेना है। वो नाम डालने के बाद में आपको डालना है मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है आपको वो यहाँ पे डाल लेना है। अगर आपका नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है और मेल आईडी रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे मेल आईडी भी डाल सकते हो। मैं डाल लेता हूँ अपना मोबाइल नंबर। ये डालने के बाद में आपको डालना है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको करना है सेंड OTP के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा OTP, जो आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया OTP सेंड टू यूवर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक यूवर मोबाइल नंबर। आपको आपका मोबाइल नंबर चेक कर लेना है और जो भी OTP इसमें आया है आपको यहाँ पे डाल लेना है। मैं डाल लेता हूँ, मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है। आपको भी अपने मोबाइल पे जो भी OTP आएगा वो यहाँ पे डाल लेना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे आपका आधार नंबर आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे आपका आधार नंबर आ जाएगा, जिससे कि आप जो भी आपका काम करवाना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो आधार कार्ड, तो उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बोल भी रखा है यूवर UID इज सेंड टू यूवर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। भैया, आपके मोबाइल नंबर पे आपका आधार कार्ड नंबर सेंड कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों, ऐसे करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करके आप अपना आधार नंबर पता कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।